नमस्कार, आप सभी का वीरी टीवी भारत के खास प्रोग्राम में स्वागत है। भगवान शिव की कृपा से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली का आगमन होता है। सावन में शिव की पूजा और आराधना से भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे तो भगवान शिव की पूजा प्रत्येक सोमवार को की जाती है, लेकिन सावन में शिव पूजा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। देश के प्रत्येक कोने में भगवान शिव के शिवलिंग है, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग बहुत ही खास है। इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आज हम वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी के बारे में आपको बताने वाले हैं। वैद्यनाथ मंदिर भारतवर्ष के झारखंड राज्य के देवघर नाम के स्थान पर स्थित है। ये एक बेहद ही प्रसिद्ध मंदिर है। इसे सिद्धपीठ भी कहा जाता है। इस कारण इस लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। सावन के महीने में यहाँ पर श्रावण मेला भी लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं। इस ज्योतिर्लिंग का संबंध रावण से है। रावण भगवान शिव का परम भक्त था। एक बार वे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमाचल पर कठोर तपस्या कर रहा था। उसने एक एक करके अपने 9 सिरों को काट कर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। जब वह अपना 10वां सिर काट रहा था, तभी शिवजी प्रकट हो गए। शिवजी ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए रावण से वर मांगने के लिए कहा। रावण चाहता था कि भगवान शिव उसके पास लंका चलकर रहें, इसलिए उसने वरदान में कामना लिंग को मांगा। भगवान शिव मनोकामना पूरी करने की बात मान गए, परंतु उन्होंने एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को कहीं रास्ते में रख दिया तो तुम उसे दोबारा उठा नहीं पाओगे। शिवजी की इस बात को सुनकर सभी देवी देवता चिंतित हो गए। सभी समस्या को दूर करने के लिए भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने इस समस्या के समाधान के लिए एक लीला रची। उन्होंने वरुण देव को आचमन करके रावण के पेट में जाने का आदेश दे दिया। इस वजह से रावण को देवघर के पास लघु शंका लग गई। रावण को समझ नहीं आया क्या करे। तभी उसे बैजू नाम का ग्वाला दिखाई दिया। रावण ने बैजू को शिवलिंग पकड़ा दिया और लघु शंका करने चले गए। वरुण देव की वजह से रावण कई घंटों तक लघु शंका करते रहे। बैजू रूप में भगवान विष्णु ने मौके का फायदा उठाते हुए शिवलिंग को वहीं पर रख दिया। वह शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। इस वजह से इस जगह का नाम बैजनाथ धाम पड़ गया। हालांकि इसे रावणेश्वर धाम के नाम से भी जाना जाता है। बैजनाथ देश का एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो शक्तिपीठ भी कहलाता है। यहाँ देवी सती का हृदय गिरा था। कहते हैं कि यहाँ बाबा माता सती के हृदय में विराजमान है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को हृदयपीठ भी कहा जाता है। शिवधाम में त्रिशूल लगा होता है, लेकिन बैजनाथ मंदिर में पंचशूल लगा है। कहा जाता है कि पंचशूल सुरक्षा कवच है। मान्यता है कि इसके यहाँ रहते हुए कभी मंदिर पर कोई आपदा नहीं आ सकती। मंदिर को लेकर एक रहस्य आज भी बरकरार है कि यहाँ भक्त मुरादे लेकर तो आते हैं, लेकिन शिवलिंग को स्पर्श करते ही अपनी मनोकामना भूल जाते हैं। आज हमने बात करी बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। अगली बार फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।